जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे किसान दोस्तों, जो मैं आज टॉपिक लाया हूँ वो है कुंगी से मुतासिर शुदा गंदम की वैरायटियाँ। तो पिछले साल जो हमारी गंदम लगी थी, बारिशें ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी यील्ड में लॉसेस हुए हैं 2 से 3 मन, यानी कि पर एकड़ यील्ड हमारी यानी कम हुई है। तो ये जो सबसे मेजर इफ़ेक्ट था वो था कुंगी रस्ट, यानी कि जो मेजर यानी कि हमें लॉसेस हुआ है रस्ट की वजह से हुआ है। तो जो ये वीडियो का टॉपिक है, गंदम की कुंगी से मुतासर शुदा वैरायटियाँ, तो ये वैरायटियाँ आपने कभी भी काश्त नहीं करनी। जब आप ये वैरायटी कैच करेंगे, ये हैं रस्ट रेजिस्टेंट, ये हैं रस्ट सप्टिबल, यानी कि रस्ट इनको ज़्यादा लगेगी। तो ये वैरायटियों में जो हमारी लिस्ट में शामिल हैं, जो जो ये जो गवर्नमेंट से यानी कि ना लिंक में, पिछले साल गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, सर्वे में जो पता चला है कि ये वैरायटी यानी कि ना रस्ट सप्टिबल थी, तो यानी कि कुंगी ज़्यादा लगी है। तो ये वैरायटियाँ हैं सैर 2006, सबसे ज़्यादा रस्ट सैर को लगता है, इसलिए ये ना लगाएं कभी भी। जो दूसरे नंबर पे है वो है आरी 2011, तीसरे नंबर पे गैलेक्सी 2013, चौथे नंबर पे है NN गंदम 1, और पांचवें नंबर पे जो हमारी वैरायटी है ये है चकवाल 50, यानी चकवाल 50। जो छठे नंबर पे है ये है NARC 2011, और पंजाब 2011। ये वैरायटी हैं, ये वैरायटी कुंगी से मुतासर होती हैं, और यानी कुंगी ज़्यादा लगती है ये वाली वैरायटी में। ये वैरायटियों में कोई डिफेंस सिस्टम इतना नहीं है ये कुंगी को रोक पाएँ, इसलिए कुंगी यहाँ पे जो रस्ट के स्पोर्स होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। इसलिए ये जो मैंने वैरायटी के नाम बताए हैं ये आप नोट कर लें, यानी कि गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वैरायटियाँ लगाएं गंदम की, और ये वाली वैरायटी को नहीं लगाना, क्योंकि ये जो अब सीज़न यानी कि हमारा सीज़न पहुंचने वाला है गंदम का, ये वाले सीज़न में बहुत ही ख़तरा है कुंगी का, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियाँ चेंज हो रही हैं। तो ये वाले पिछले वीक में बहुत सारी बारिशें हुई हैं, क्योंकि बारिशों ने होना है और नमी ने आना है, जिस वजह से कुंगी ज़्यादा अटैक करेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर है वो वैरायटी लगाएं जो रस्ट रेजिस्टेंट हो। तो ये हमारा चैनल है मेरा किसान, तो मेरे किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, मेहरबानी।